वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। TGT का रिजल्ट जारी हो चुका है और वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। इस संबंध में जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसने क्या विज्ञप्ति जारी की है, ये 26 तारीख की विज्ञप्ति है, इसे देख लीजिएगा, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो को स्किप ना करें, बीच में कुछ ऐसी बात भी बताऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, देख लीजिएगा। विज्ञापन संख्या 1, प्रशिक्षित स्नातक लिखित परीक्षा 7-8 अगस्त 2021 को संपन्न हुई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12-8 के अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के निम्नांकित विषयों के लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पैनल मेरिट सूची कट ऑफ मेरिट बोर्ड द्वारा 26-10 को जारी किया। कौन कौन से देखे क्या है इसमें और क्या क्या जारी किया बोर्ड ने, पैनल भी जारी कर दिया, मतलब किन किन का सिलेक्शन हुआ उनका भी मेरिट सूची। अब आप अपनी मेरिट भी देख सकते हैं कि आप किस मेरिट पे हैं, उसी के हिसाब से आप अपना कॉलेज भी चॉइस करना। फिर उसके बाद 7 कट ऑफ भी जारी की हुई है और ये 26-10 को जारी की है। और कौन कौन से विषय, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी। देखिए, सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है, जितने कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, ना ही मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन इसकी कट ऑफ मोर देन एक्सपेक्टेड, इसकी जो कट ऑफ थी वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा गई है। लेकिन फिर भी जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ वो आगे की भर्ती की तैयारी करें। बेस्ट विशेस फॉर यू। कृषि, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, सिलाई और उर्दू, गणित, संगीत गायन वादन और जीव विज्ञान इनका। अब देख लीजिएगा उपयुक्त विषय के घोषित पैनल में कॉलम में जिसमें सिलेक्शन एज लिखा है और उसके सामने अनारक्षित आरक्षण अंकित नहीं है, वे रिक्तियों की संख्या से अधिक के अंतर्गत प्रदर्शित हैं, चयन अभ्यर्थियों की श्रेणी में नहीं है, अभी वो वेटिंग में है। अगर आपके सामने सिलेक्शन एज में अगर आपके सामने आरक्षण की श्रेणी नहीं दी हुई है तो आप वेटिंग लिस्ट में हैं, न कि आप सिलेक्शन लिस्ट में। घोषित पैनल का कॉलम सिलेक्शन एज जिसके नाम के सामने अनारक्षित आरक्षित प्रदर्शित है, संस्था आवंटन रिक्तियों की संख्या के अनुरूप नियमावली 1998-12-10 के अनुसार बोर्ड करेगा। अब आपको अधिमान्यता जो अपने कॉलेज की 5 चॉइस होती हैं वो आपको भरनी है। मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई हुई है किस तरह आप चॉइस भरेंगे, कम मेरिट होने पर भी आप अपने पास में रह सकते हैं, वो आप मेरे चैनल पर आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। घोषित सफल अभ्यर्थियों की संस्था अधिमान्यता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु 29-10 ज़्यादा समय नहीं है, 29-10 तक आपको अधिमान्यता अपलोड करनी है वेबसाइट पर। और उम्मीद यह है कि 30 तक सिस्टम पर चली जाएगी और 31 की शाम आपको आपके कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। अधिमान्यता ऑनलाइन भरने का लिंक चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upsesb.org पर उपलब्ध है, जाकर अभ्यर्थी अधिमान्यता भर सकते हैं। अभी वेबसाइट थोड़ी बिजी चल रही है क्योंकि रिजल्ट आया है, तो उम्मीद यह है कि दोपहर के बाद वो जो वेबसाइट है वो ईजिली खुल जाएगी। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो हिम्मत ना हारें, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर उसके बाद मेरा चयन बोर्ड से 3 बार सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मैं उस समय वेटिंग में था, तो ऐसा नहीं होता कि आप अगर सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, आगे आप बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है, कोई भी हतोत्साहित ना हो। मैं भी बहुत हुआ था, मैं आप सभी की पीड़ा को समझ सकता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप मोटिवेट रहें, डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, ना ही किसी के बहकावे में आकर डीमोटिवेट हों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।